हम इसके लिए वो सब करेंगे जो एक माँ बाप करते हैं। और इस नए रिश्ते की शुरुआत हम इसे ऋषि से डिवोर्स दिलाकर ही करेंगे। शालिनी ने बहुत रुला दी मेरे बेटे को, लेकिन तलाक के बाद उसे सिर्फ खुशियां खुशियां मिलेंगी। हम भी देखते हैं कि हमारे होते हुए मेरे बेटे को कौन रुलाता है। आठों पहर प्रीति प्रीति का जाप सुनते सुनते मेरे तो कान ही पक गए। भगवान जानता है कौन सी विभूति चटा दी है तुम्हारी अम्मा जी को उन्होंने। बैठे बैठे हम क्या कर रहे हो? अरे क्या करूं रितु, मैं मुझे नहीं पता क्या करो, पर कुछ तो करो, वरना लोग कहेंगे कि वो सौतेले होके भी इतना कर रहे हैं और हम अपने होके हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। रितु, लोगों को जो कहना है कहने दो, हम उनके सगे ही रहेंगे। और रोज रोज ऐसी बातें सुनकर अगर अम्मा जी का ब्रेन वॉश हो गया तो? तो फिर यहाँ के गप्पे मारने लगी? जा जाके सूर्य कमल के कपड़े इस्त्री कर दे। प्रीति अस्पताल से आते ही रसोई में लग जाएगी। अगर सूर्य कमल अस्पताल से आते ही इस्त्री करने में लग जाएगा तो देर हो जाएगी उसे दफ्तर के लिए। जल्दी कर, तेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ माँ, बहुत ज्यादा। हाँ माँ जी, अभी ये मुझसे यही कह रहे थे कि इनका सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं किया जा रहा। कैसे बर्दाश्त होगा? दर्द सहने की आदत होगी तब ना बर्दाश्त होगा। जरा सूर्य कमल से सीख, देख उसे, कभी उसे देखा है ओ आ माँ करते हुए? नहीं ना। गलती मेरी ही है, अगर तेरी थोड़ी थोड़ी हाय हाय करने पर तुझे ना पुचकारती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसे अपने कोई चुन्नी दे दे, सिर पे कस के बांध और सो जा। सुबह में अस्पताल जाना है तुझे। और तू जा रही है मुझे। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ऋषि को डिवोर्स दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस वादे से मुक्त कर दे जिसमें मैंने तुझसे कहा था कि मैं अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। प्रीति, मैंने सब करके देख लिया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। और जानती है क्यों? क्योंकि शायद हमारा जोड़ा दो हंसों का जोड़ा था ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है सुमी के जीवन में? और क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता। क्या कहकर उसे ढाढ़स दूं, कैसे समझाऊं उसे? ऋषि जी के कर्म ही ऐसे हैं, कोई भी औरत माफ नहीं कर सकती। लेकिन अब
तो ऋषि जी अपने किए की बहुत बड़ी सजा भुगत रहे हैं। आज ना उनके पास कोई रिश्ता बचा है और ना ही वो पैसा जिसके लिए उन्होंने अपने हर रिश्ते को दांव पर लगा दिया। अब जो सुमी करने जा रही है शायद वही ठीक है। सुमी जी इस वक्त पूरी तरह से हिली हुई है प्रीति जी। वो ऐसी स्थिति में ही नहीं है कि वो सही गलत का फैसला लेकर कोई ठोस कदम उठा सके। नहीं सूर्य कमल जी, उसकी आंखों में मैंने उसके इरादे की पक्की झलक देखी है। वो अपना मन पक्का कर चुकी है, अब वो ऋषि जी को तलाक देकर ही रहेगी। मन तो अभी भी माँ की ही बातों पर विश्वास करने का करता है कि हम सभी विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधे दो हंसों के जोड़े हैं, जिनका साथ सिर्फ एक दो जन्मों का नहीं बल्कि सात जन्मों का है। लेकिन फिर जब मुझे ऋषि जी की हैवानियत याद आती है ना, तो फिर भी मन नहीं मानता। क्या क्या तलाक के अलावा इस समस्या का और कोई समाधान नहीं है? आप जानते हैं माँ हमेशा कहती थी कि हर समस्या के कई समाधान होते हैं, लेकिन सही समाधान हमेशा सिर्फ एक ही होता है। अब आप भी बताइए सूर्य कमल जी, मेरी बहन की इस समस्या का एक सही समाधान बताइए। मेरा तो अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सच कहूं प्रीति जी, मुझे भी इस समय इस समस्या के कई समाधान सूझ रहे हैं और अपने अपने जगह सभी सही भी लग रहे हैं। लेकिन अगर सुमी जी की नजरों से देखूं तो जो कदम वो उठा रही हैं, जो फैसला वो ले रही हैं, वही सबसे सही लगता है। उन पर जो बीती है हम तो उससे सिर्फ हमदर्दी दिखा सकते हैं। भुगता तो उन्होंने ही है ना, अकेले। इसलिए वो जो भी कदम उठाएं, हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। खास करके इसलिए क्योंकि उनके इस फैसले में उनके साथ उनके सास ससुर भी हैं और अब हमसे ज्यादा वो उनकी है ना। कैसे पहुंच? शायद सूर्य कमल जी मुझे यहां लेकर आए। मैं नहीं आना चाहता था पर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया इसलिए। अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा वकील पूछ रहा था कि ये लीगल पेपर्स आपको कौन से पते पे भेजे जाएं, लेकिन आजकल मुझे ही नहीं पता है कि आपका पता क्या है। अब आप आ गए हैं तो ये बाय हैंड ले लीजिए। कैसे पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स।
मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं रास्ता चुनने में वो कोई गलती ना कर बैठे, कहीं। लो और निकल जाओ यहां से। हमसे कोई रहम की उम्मीद मत करना, तुम इस लायक ही नहीं हो। इनफैक्ट यहां पे हम में से किसी के साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये घर मेरे बेटे का हुआ करता था, अब ये मेरी बेटी का है, मेरी बहू बेटी का। बेटा तो पता नहीं कब का मर कब गया है। एक एक मिनट का हिसाब रखा जा रहा है, बहुत जल्दी हो रही है अपने घर जाने की। ऋषि का बस चलता तो मुझे यहाँ आने ही नहीं देते। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ऋषि को डिवोर्स दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस वादे से मुक्त कर दे जिसमें मैंने तुझसे कहा था कि मैं अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ कर। माँ होती तो क्या करती। कुछ कहा आपने? आप ही बताइए ना, अगर माँ यहाँ होती तो सुमी को क्या करने की सलाह देती, ऐसा क्या करने को कहती जिससे। यही सोच सोच कर आप पूरी रात भर नहीं सोई ना? वो मेरी बहन है सूर्य कमल जी, और वो इस वक्त जीवन के ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता न उसे मालूम है और न ही मुझे। फिर भी उसका मन कहता है कि बाएं जाना ठीक होगा, और मेरा मन कहता है कि दाया रास्ता ही सही है। और मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं रास्ता चुनने में वो कोई गलती ना कर बैठे, कहीं। हेलो। हेलो सुमी। शादी रहेगी क्या? बात नहीं करेगी मुझसे? हमारा तो कब से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। सुमी,
वो तेरे मेरे प्यारे प्यारे झगड़े तो बचपन के साथ ही खत्म हो गए पागल। समझ गई, तू चुप रहकर ये देखना चाहती है ना कि आज भी हम एक दूसरे के मौन की भाषा समझ सकते हैं या नहीं, है ना? शायद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल और हमारे नजरिए के बीच पहली बार ऐसा फर्क आ गया है जिसे अगर हमने फौरन दूर नहीं किया ना, तो मुझे डर है तुम्हें कहीं हमारे बीच दूरी ना बन जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सुमी। देख, तुझे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तू सुमी तू I'm sorry प्रीति, मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। मेरे लिए भी ताई जी के मान और उनके दिए संस्कारों से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन प्रीति, तू ये क्यों भूल जाती है कि ताई जी ने जो हंसों के जोड़ों की बात की थी वो इंसानों के लिए कही थी, ऋषि जैसे हैवानों के लिए नहीं। मैंने ताई जी की सीख को याद रख के अपनी शादी बचाने के लिए ऋषि के हाथों क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? उसने मेरे सारे धीरज, त्याग और समर्पण को एक मजाक बना के रख दिया। और आज उस इंसान की वजह से मेरा ही नहीं, ताई जी का भी मजाक उड़ रहा है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती प्रीति। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है और जो मेरी मर्जी है। दुरुस्त हो गए? अब बोल, कब आ रहा है पेपर्स पर साइन करने? मेरा जवाब अभी वही, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं वो पेपर साइन नहीं कर। पेपर्स लो और निकल जाओ यहां से। हमसे कोई रहम की उम्मीद मत करना, तुम इस लायक ही नहीं। ये घर मेरे बेटे का हुआ करता था और ये घर अब हमारी बेटी का। बेटा तो पता नहीं कब का मर कब गया।
तो मार खा के मिजाज दुरुस्त हो गए? अब बोल, कब आ रहा है पेपर्स पर साइन करने? मेरा जवाब अभी वही, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं वो पेपर साइन नहीं कर। क्या हैरानी हो रही है ना कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से? अरे ये हिम्मत तो तब आती है जब इंसान सब कुछ खो दे। मैं तो सब कुछ खो चुका, मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। लेकिन शायद तेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ, इसलिए डरने की बारी तेरी। राइट रविंद्र? मैंने तो तय कर लिया बस कि अब घर के छोटे मोटे काम सब ऋतु करेगी। सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, शाम की चाय, रात का खाना, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, हैं? ठीक है ना? और बाहर के छोटे मोटे काम नीरज कर लिया करेगा। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इससे पहले ये सब कुछ प्रीति करती थी ना।